अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का पीस भी कह सकते हैं इसको। इसके लिए मैंने ये दो चिकन के पीस लिए। आप चाहें तो लेग पीस, या ऑप्शन है कि आप कोई भी चिकन का जो पीस आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया है दही। दही मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। चिकन तंदूरी मसाला लिया है और चिकन टिक्का मसाला लिया है 1-1 टीस्पून। दोनों को मिक्स करके वो मैंने इसमें डाल दिया। साथ में इसके अंदर मैं डाल दूँगी पेपरिका पाउडर फॉर कलर, बड़ा अच्छे से कलर आ जाता है। या आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ में मेरे पास था ये टमाटो पेस्ट, ये मैंने डाला तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ में मैं इसके डाल दूँगी ऑयल 1 टेबल स्पून। और साथ में इसके हम डालेंगे खुश मसाले। में मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया, गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालती। अब इसको करूँगी मिक्स और मैरिनेट करके इसको तकरीबन 30 मिनट में छोड़ दूँ। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो चुका हुआ है 30 मिनट। और तकरीबन मैंने इसको जो है इस तरीके से कट लगा दिए थे। आप चाहें तो फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना चिकन जल्दी झटपट गल जाता है कि बस इस तरीके से मैंने कट लगा के इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसको करेंगे कुक। मेरे पास ये ग्रिल पैन है, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। ऑयल लगाऊंगी इसके तक मैं 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। और साथ में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बटर। आप चाहें तो मक्खन का नहीं इस्तेमाल कर सकते, पर मुझे मक्खन पसंद है तो इसमें से इसका टेस्ट ज़्यादा इनहेंस होता है बटर में। ये इस तरीके से हल्की आंच पे बटर और ऑयल को मिक्स कर, ऑयल इसमें से मिक्स करते हैं ताकि मक्खन जो है जल ना जाए। साथ ही जो मैंने चिकन में मसाला लगा के रखा था, बिस्मिल्लाह, अब मैं वो और सारा जो इसके ऊपर मसाला है ये वाला, ये हाथ से या स्पून की मदद से इसके ऊपर अच्छे से लगा दें ताकि ज़ाया ना हो और ये अपने ही मसाले में कुक हो। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। अब तकरीबन 20 मिनट में इसको एक साइड पे कुक करूँगी और फिर आफ्टर 20 मिनट इसको मैं टर्न करूँगी। अब इसकी साइड चेंज करूँगी, आपके सामने खोलती हूँ। कितना अच्छा इसका मसाला जो है वो कुक हो चुका हुआ है एक साइड। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। तीस मिनट के लिए आपने इसको मैरिनेट किया, और ये इससे भी ज़्यादा आप चाहें तो कर सकते हैं। उससे ये होता है कि चिकन बहुत अच्छे से अंदर तक जो है इसमें सारा मसाला चला जाता है। हमें सुखा वक्त कि आपके 20 मिनट्स बाद मैं इसको आपके सामने ओपन करूँ। हम इसको ओपन करके देखेंगे। वाह, हर खूबसूरत कलर भी आ चुका है और अच्छे से देखें कोक भी हो गया। देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया और फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। साथ ही इसके साथ सर्व करेंगे लच्छेदार प्याज, जिसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। और साथ थोड़ा सा रखेंगे खूबसूरती के लिए गार्निश के लिए धनिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।